तो एक दोस्त चेंज करने से पहले पहले हम स्टॉक साउंड चेक कर लेते हैं एक बार। चलो इसको खोल लेते हैं। उठाओ टूल्स, यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, पीछे से लगे कहाँ, ये वाला पीछे लगाओ। वाह, चलो खोलो 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 ऊपर। दो तीन चूड़ी खोल लो फिर तो हाथ से निकल जाएगा। निकल जाएगा सीधा सीधा ना, थोड़ा सा हिला डुलू के निकलेगा। हाँ मतलब हिल के। हाँ, गाड़ी पकड़ो, गाड़ी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। चुप रहा है, बहुत भयंकर। लगाओ वेंट पाइप, लगाओ इसका वेंट पाइप, लगाओ। आ जाइए। अरे मुंह कहाँ है इसका, हाँ ऐसे लगेगा, ये बड़ा वाला इससे अंदर जाएगा। कुछ है क्या, पैकिंग लगाना पड़ेगी, वही लगेगी बस, इतनी जाएगी यार भाई। हाँ इतने जाएगा, लगाओ पैकिंग, पैकिंग लगाओ, ये ऐसा आएगा है ना। हाँ सही आ रहा भाई, क्या सही आ रहा है, लगाओ ना उसे, थोड़ा टाइट तो जाएगा जब तो आवाज़ बंद करेगा वो। ये पाइप काटना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा है ये, काटोगे इसके होल आउट हो रहा है ना, 2 इंच काटना पड़ेगा इतना, मतलब ये यहाँ तक आ जाए, निकालने के बाद 2 इंच काट देते हैं। इसको हमने इतना कट कर लिया, ज़्यादा लंबा हो रहा था ये। चलो लगा, आराम से लगा। ये जो है क्या, जान दो जान दो, स्टार्ट करो बाइक, इधर साइड साइड। इधर लगा ना, एक्सीलेटर पे नहीं आता था। करो स्टार्ट, करो स्टार्ट, करो ये कैटलिक कन्वर्टर, इससे साउंड जो है थोड़ी और बढ़िया हो जाएगी। फिलहाल ये मेरे पास रखा हुआ था, डर्ट बाइक का निकाल लिया मैंने, तो इसमें लगा के देखते हैं साउंड में कितना फ़र्क आता है। अगर बढ़िया रहेगा तो हम एक और मंगा लेंगे। चलो फिट करके देखते हैं। कैटलिक कन्वर्टर हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया है सर ने, अब सारी इसकी साउंड चेक कर देंगे, इसका साउंड चेक कर देंगे। तो पहले हम चेक करेंगे डीबी क्लियर के साथ कैसा साउंड आता है इसमें। तो कुछ कुछ स्टॉक की तरह ही साउंड है इसका, हल्का सा फ़र्क है थोड़ा बहुत, बाकी स्टॉक की तरह ही है इसका साउंड। कैटलिक कन्वर्टर लगाने से साउंड थोड़ा सा भारी हो गया, पहले जो है ड्यूक की तरह साउंड आ रहा था इसमें। अब हम डीबी क्लियर निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कितना फ़र्क आता है इसमें। तो अब डीबी क्लियर हमने निकाल लिया, अब चेक करते हैं इसका साउंड।
देखा आपने कुछ इस तरीके का साउंड इसमें आ रहा है डिबिगलर निकालने के बाद। अब आप बारी बारी से सारे साउंड को एक बार चेकआउट कर लीजिए, कितना कितना डिफरेंस है इनमें। इधर साइड साइड तो आपने सुन लिए सारे साउंड और उनमें डिफरेंस भी आपको पता चल ही गया होगा। बाकी हम चाहें तो इसी बैंड पाइप पे साइलेंसर चेंज करके दूसरा भी लगा सकते हैं। मेरे पास एक साइलेंसर और है, अगली वीडियो में आप देखेंगे उसका साउंड। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।